हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिक्योरिटी फिक्सर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप को कैसे अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, वही लैपटॉप बिना टच किए। आप उसमें क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं मैं ये वीडियो में बताऊँगा। और इसके बाद मैं आपको इसमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी होगी। तो आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है आपको पीसी रिमोट। पीसी रिमोट आपको सर्च करके इंस्टॉल कर लेनी है। और इसके बाद आपको जाना है अपने लैपटॉप में। लैपटॉप में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पीसी रिमोट रिसीवर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। और इसके बाद इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। आप वाईफाई से, यूएसबी केबल से और क्या कहते हैं ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं लोग। डाउनलोड करने के बाद आपको जब तक डाउनलोड हो रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। और आप ये फीचर्स यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं सपोर्ट करूंगा। और इसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब तक ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है तो मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इसके फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो फीचर्स होंगे कि आप इससे मोबाइल से अपने लैपटॉप का कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, इसके बाद माउस पैड ऑपरेट कर सकते हैं, पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं, इसके बाद कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप से आप अपना पूरा लैपटॉप की स्क्रीन जो है ना मोबाइल पे देख सकते हैं। और प्रोजेक्टर की तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज कर सकते हैं। टास्क मैनेजर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, माइक्रोफोन, कैमरा, सारी चीज़ें आप इसी ऐप से विदाउट टच लैपटॉप के आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस फीचर्स के बारे में तो आपको बता दिया और ये आपको मैं यूज करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको सिर्फ इसको एक बार इंस्टॉल करना है, बार बार इसको आपको ओपन भी नहीं करना है। तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा जब आप सेम नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, लेकिन आपको इसमें सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा तभी ये जाके वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलिंग चल रही है, तो ये इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, इसके फीचर्स के बारे में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके फीचर्स वर्क करते हैं। तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैंने रन कर दिया है, लॉन्चिंग हो रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। लॉन्चिंग होने के बाद मैं आपको आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप बिना टच किए अपना लैपटॉप यूज कर सकते हैं। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से जनरेट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं वाईफाई कनेक्ट के लिए और ब्लूटूथ और USB। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें शो हो गया लोकल PC डेस्कटॉप AML J074 जो कि मेरा डेस्कटॉप है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आप कनेक्ट करके लिख के भी आ गया सक्सेसफुली कनेक्ट। इसके बाद आपको चले जाना है माउस पैड पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन से माउस पैड यूज कर रहा हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब इसके बाद आपका यहाँ से काम ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आप सारा कुछ आप अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आप कीवर्ड्स ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले इसमें वो खोल देते हैं, क्रोम ओपन कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग जो कुछ भी टाइप करेंगे इसमें वो यहाँ पे टाइप होगा। जैसे कि हम लोग टाइप करना चाहते हैं सिक्योरिटी फिक्सर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं मोबाइल में टाइप कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा मोबाइल में टाइप कर रहा हूँ लेकिन मेरे लैपटॉप पर टाइप हो रहा है। इसके बाद एंटर कर दिया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मोबाइल पे टाइप करने का लैपटॉप पे टाइप हो रहा है। तो ये तो रहा फर्स्ट फीचर। और यहाँ से आपको सारा नेविगेट कर सकते हैं, इसका फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, जो एड्स वगैरह हैं वो नहीं दिखेंगे आपको। अब इसके बाद आपको इसका नेक्स्ट फीचर जो देखने को मिलता है, आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको टाइप राइटर की जो कि कीबोर्ड के तरीके होगी सेम, तो आपको यहाँ से मैं वो देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप पूरा कीबोर्ड अपने फ़ोन को एज अ कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या PC का कीबोर्ड ख़राब हो गया तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ, सिक्योरिटी स्पेस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपना फ़ोन को एज अ कीबोर्ड यूज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको बैक आ जाता हूँ और आपको नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बताता हूँ इसके। तो आप इसको गेम पैड के तरीके भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें अगर गेम के शौकीन हैं तो आप मोबाइल को गेम पैड के तरीके यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसको
ये भी फीचर्स आप लेआउट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर्स आपको मिलने वाला है वो बहुत ही बढ़िया फीचर्स होगा, आपको देख के ही उसको अच्छा लगेगा। तो जैसे कि फर्स्ट फीचर आपको देखने को मिल जाता है रिमोट डेस्कटॉप, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपना पूरा लैपटॉप जो है ना वो आप अपने इससे ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं ऑपरेट कर सकता हूँ कहीं पे भी। और इसमें एक और फीचर जो है होता है कि आप इसको माउस, एज अ माउस चलाना चाहते हैं या एज अ टच यूज करना चाहते हैं, तो आप इस ओल्ड लैपटॉप में भी टच स्क्रीन का मजा ले सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं मोबाइल में टच कर रहा हूँ बट मेरा लैपटॉप यूज हो रहा है, जैसे कि आपको एक लाइन टाइप की आपको देखने को मिल रही होगी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वो मैं मोबाइल से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको दिख भी रहा होगा। और इसके बाद आप कोई भी फीचर्स यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से फाइल मैनेजर खोलने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है, और इसको मैं यहीं से कट भी कर सकता हूँ मोबाइल से ही। तो आपने ये फीचर्स तो देख लिया, चलिए इससे इसमें आपको और क्या फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप डेटा केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप टैबलेट फॉर्म में अपने लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड तो आपको बता ही चुके हैं, आपको ड्राइंग अगर बनाने का शौक है तो आप इसमें ड्राइंग भी बना सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, टेक फोटो फोटो ले सकते हैं, मैं आपको फोटो लेके दिखाऊंगा, मल्टी मोनिटर अगर आप इसमें और भी मोनिटर यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद चलिए तो मैं आपको कैमरा यूज करके दिखाता हूँ कि आप अपने मोबाइल से कैसे आप अपने लैपटॉप का कैमरा यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मोबाइल से आप कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप की फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने क्लिक की, इसके बाद मैं जब सही पे टैप करूँगा, इस पर राइट वाले पे टैप करूँगा तो ये ऑटोमेटिक फ़ोटो जो है वो मेरे लैपटॉप पे सेव हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विदाउट कुछ किए ये डायरेक्ट लैपटॉप पे ओपन हो जाएगी और आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा या एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे चाहें आप वैसे यूज कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको शेयर करने होते हैं तो आपको लॉगिन करना होता है व्हाट्सएप टेलीग्राम, तब आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप ये आप एक वन टाइम इंस्टॉल कर लेंगे तो आप ये कभी भी यूज कर सकते हैं। इसका ये फीचर्स हो गया, इसके बाद आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसमें टास्क मैनेजर डिवाइस मैनेजर भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें आपको मैं ड्राइंग वाला फीचर्स दिखाता हूँ, जैसे कि आपको इसी पे ड्राइंग यूज करनी है तो आप पेंसिल लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी फिक्सर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया। इसका आप इरेज भी कर सकते हैं, इरेज का साइज आप बढ़ा सकते हैं, कितना साइज रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी साइज काफ़ी छोटा था अब मैंने बड़ा कर लिया, अब जल्दी इरेज हो जाएगा ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इरेज हो रहा है, आप कहीं भी किसी भी टाइम लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट कर दिया तो सारा जो है वो डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर्स दो जो देखने को मिलता है, चलिए इससे मैं बाहर आ जाता हूँ, इस फीचर से बैक कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। इसमें आप ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हैं, टास्क मैनेजर, माइक्रोफोन, कैमरा, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको ये ओपन कर लिया आप यहाँ पे, या फिर आप ब्लैंक स्क्रीन ओपन कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे सर्च करके मैं ब्लैंक स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, और उसमें आप कुछ भी ड्रॉ या टाइप या कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है। वो मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है इस वजह से लोडिंग ले रहा है, आपके में ऐसा नहीं होगा, तो चलिए आगे देखते हैं फुल स्क्रीन में होता है एक नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे क्लिक किया, अब इसके बाद इस यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये देखिए ये देखिए, इसके बाद इरेज भी कर सकते हैं आप। आप इसको इरेज कर सकते हैं मोबाइल से ही कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखने को भी मिल रहा होगा, तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, डिलीट कर दीजिए, जैसे कि डिलीट हो गया सारा। और चलिए तो इसके और फीचर्स आपको देखता हूँ, आप माइक्रोफोन कैमरा वगैरह यूज कर सकते हैं नॉर्मल, और इसके सेटिंग्स में जाके आप चेंज भी कर सकते हैं, लैंडस्केप डिस्प्ले या फिर पोर्ट्रेट वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं, सॉरी पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप या फिर। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आप विदाउट एनी टच आप अपने लैपटॉप को लेटे लेटे या फिर कहीं और से भी ऑपरेट कर सकते हैं, बस इतना होना चाहिए कि आपके लैपटॉप और मोबाइल में सेम कनेक्शन होना चाहिए। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो गुड बाय।